हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी टू वी गेमिंग एंड टेक पर। मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं बी टू वी गेमिंग एंड टेक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डेयरी के दूध को फटने से कैसे बचाएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता ही है, दूध के फटने के दो कारण होते हैं। पहला होता है तापमान और दूसरा होता है दूध में मिलावट। तो सबसे पहले आप तापमान से दूध को फटने से कैसे बचा सकते हैं। आप तापमान से दूध को फटने से बचाने के लिए कैनों के ऊपर कोई ठंडी लेयर चढ़ा के आप दूध को तापमान से फटने से बचा सकते हैं, और यह मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अगला आता है तापमान के अलावा जो है दूध में मिलावट के कारण जो दूध फट जाता है, उससे आप कैसे बचाएं। तो दूध में मिलावट से बचाने के लिए आप जो है किसानों के दूध को प्लांट पर चेक करवाने के लिए भेज सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं कुछ ये डिब्बियाँ हैं, इसी प्रकार की डिब्बियों में आप जो है किसानों का दूध भर के प्लांट पर भेज सकते हैं, जहाँ पर इनके दूध को जो है चेक करवा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर चेक नहीं करवाना है तो आप सुपरवाइज़र को अपने गांव में बुला सकते हैं, एंड सुपरवाइज़र आपको जो गांव के किसानों का दूध है वो हाल ही डेयरी पर ही आपके जो है दूध चेक कर देगा, एंड पता कर देगा किसका जो दूध है वो ख़राब है या किसी का जैसे पशु बीमार है और वो आपके डेयरी पर दूध ला रहा है और आपको नहीं बताया उसने कि उसका पशु बीमार है। तो वो आपको पता चल जाएगा उसका पशु बीमार है और उसके दूध में जो है कमी है, तो यहीं पर आप चेक हो जाएगा। और आपकी जो एक किसान के दूध की वजह से आपकी जो पूरी कैन फट जाती है वो आपकी कैन नहीं फटेगी। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड आप मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पे। एंड अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइज़।